कोरापुट जिलार कोटपाड़ बिजेडी पाली 26तम प्रतिष्ठा दिवस कोटपाड़ निर्वाचन मंडल हजार हजार कर्मी एथिरे सामिल होते एथिरे मुख्य अतिथि भाव पूर्वतन सांसद प्रदीप माझी जिला सभापति ईश्वरचंद्र पाणिग्रही डाबुगा विधायक मनोहर रिंधारी कोरापुट विधायक रघुराम पोडाल जिला परिषद अध्यक्ष सस्मिता मेल्का उपाध्यक्ष राधा विनोद सामंत राय समेत बिजेडी बहु नेता सामिल होते महिला मानंकु सशक्तिकरण शिक्षा स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र उन्नति दिगरे अनेक पदक्षेप निया सेमाने प्रकाश करते दुर्नीति हटाइबा दिगरे राज्य सरकार विशेष दृष्टि देउछंती एथिपाई लोकंक विश्वास चिनी 2024 साधारण निर्वाचन रे दलर संगठन को सुदृढ़ करबा पई आह्वान दिया जायथिला। आज 25तम पूर्ति 26तम प्रतिष्ठा दिवस उपलक्षे कोटपाड़ निर्वाचन मंडलवासी को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। आज देखंतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जो कार्यक्रम सारा ओडिशा रे पालन करा जाउछि आज देखिबे आपण माने माँ माने हजार हजार संख्या रे जोग देइछंती एवं बापा भाई समस्ते आज यही प्रतिष्ठा दिवस रे जोग देइछंती। आपण माने देखिबे निश्चित भाव रे षष्ठ तौर पर आम प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक निश्चित भाव रे आसीबे आगामी दिन रे भी जो तल लेवल कार्यक्रम होउछि माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक रो कार्यकलाप लोकंक पाखरे पहुँची सारी लोके जा सारी आम संकचिन्ह केमिति करछंती आम प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक माँ मानकु सम्मान देउछंती प्रत्येक अंचल रे विकास हो पारी नीतिले मात्र संदेह नाही आगामी दिन में निश्चित भाव में आम संकचिन्ह रो ही विजय हेबो माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक षष्ठ तौर पर मुख्यमंत्री हो पारे। निश्चय मैडम राज्य सरकार तो विभिन्न योजना करछंती नवीन बाबू तो लोकप्रियता बढ़ी यदि कथ कह गत त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में बिजेडी विपुल मात्रा रे समर्थन पाई किंतु आपणक निर्वाचन मंडल में जो बिजेडी अध्यक्ष प्रार्थी पराजय निश्चय भाव कोटपाड़े किसी बिजेडी संगठन दुर्बल अच्छी कि 24 कौन रणनीति कर कौन कह देखु कोटपाड़ निर्वाचन मंडल संगठन रही आगामी दिन में भी रही निश्चित भाव में आगामी दिन में जो आम एनएससी रे जो हारी जाइछु आगामी दिन आम लोक जो अच्छा आम आगामी दिन में जीति पार्बू पंचायत निर्वाचन में देखिए आम छ जिला परिषद आम जीति आसीचु सेमती किसी है आग को आम जो संगठन जारी रही संकचिन्ह विजयी हे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक हम विजयी हे विजु जनता दल स्थापना दिवस अवसर में जनसाधारण को प्रगति शांति उन्नतिर बार्ता दि जाए विगत 25 वर्ष भितर विजु जनता दल स्थापना होगा किपर भाव में ओडिशा 23 वर्ष गोटे स्थिर सरकार आसला मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक नेतृत्व में किपर जल संगठित हो गरीब जनसाधारण को समाज मुख्यधार सामिल करने कि भाव में अहर उद्यम चलती प्रयास चलिए ए संबंध में आम बुझे लोके सादर ग्रहण कर आगामी दिन में विजु जनता दल को पुनर्वार विपुल संख्यार भोट जितने प्रतिश्रुति तो विशेषकर जी कथ कह कोटपाड़ निर्वाचन मंडल कथ जी कथ कह ये दुई विरोधी पूर्वतन मंत्री कथा कहतु कि पूर्वतन विधायक चंद्रशेखर माझी कथा कहतु दुईट गोटे दल में गोटे मंच में बर्तमान लड़िले किंतु एनएससी जो चेयरमैन पदवी में बिजेडी हार स्वीकार कला बिजेडी दुर्बल अच्छी दुई नेता एकजुट होगा विजु जनता दल समस्त सदस्य विजु पर सदस्य ये कहीं विरोधी नहाँ कि प्रतिद्वंदी नहाँ कौन से गोटे समीकरण अभाव आम कोटपाड़ एनएससी आम पराजय बरण कलु ताको आम ठीक भाव में परिचालना करके आगामी निर्वाचन में आप देखिए कोटपाड़ सहर विपुल भोट शंखचिन्ह और विजु जनता दल पाए तो आ गोटे जिनस सर गत जयपुर प्रतिष्ठा दिवस में गोटे स्पष्टीकरण आपड़ रखते जयपुर विधायक विरुद्ध रखी जे से अगणतांत्रिक पद्धति विधानसभा को कोरापुट को लज्जित करापर भी से प्रतिक्रिया रखिंट जे मुझे अगणतांत्रिक पद्धति मुझे विधानसभा आचरण करुच्चे मो विरुद्ध तो आज पर्यटन कौन से स्वाधिकार नोटिस आसने यहाँ को यार प्रश्न कर सत कथा कहुला एवं ओडिशार जनसाधारण निज आखिरे निज चक्षुरे से देखुंत आमे पदमर्यादा गोटे विधायक पदमर्यादा गोटे सांविधानिक पदर सम्मान किपर रखा जाए तापर कही ये कौन सी व्यक्ति विशेष विरुद्ध कहुन जो मैंने भी ये कार्य करते क्षांत रहा आवश्यक अच्छे कोरापुट बैपारी गुड़ू विजय पांगी रिपोर्ट न्यूज़ 8 ओडिया।